हाय फ्रेंड्स, आज आंटी बैगन का भरता बना रही है बहुत ही यूनिक तरीके से। तो इसके लिए उन्होंने एक लिया है बहुत ही प्यारा सा पर्पल कलर का बैगन, जिसमें ठूस ठूस के मिर्ची और लहसुन को डाला जा रहा है ताकि वो बहुत ही टेस्टी लगे। एंड यू कैन सी आंटी बहुत ही प्यार से सारा चीज़ों को स्टफ कर रही है अंदर में। इसे पहले अच्छे से ऐसे चीरा लगा ले, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मेरा स्वेटर का कलर भी मैच कर रहा है बैगन से। और अब इसे मैं प्रेशर कुकर में सीजनिंग के लिए डालूंगी। हाँ, तो अब इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जूम कर दिया व्यू को। और इसे अब क्या ढका जाएगा देखिए। हाँ। ओके, तो इसे अब ढका जाएगा। और कितने देर के लिए छोड़ेंगे हम? बस दो प्रेशर, दो सीटी तक। ओके, तो अब इसे हम दो सीटी तक छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर हम इसे फिर से आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका भरता बनाना है। अब हम ये प्यारे प्यारे रेड टमाटोज आप देख सकते हैं, इसे हम ग्रिल करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम इसे ग्रिलर पे ऊपर में डाल देंगे और इसे फिर हम बर्नर ऑन कर देंगे। ऐसे अपने ढक्कन से ऊपर से ढकने से टमाटर जल्दी सीख लेंगे। तो ये है आंटी का ट्रिक, इसे ग्रिल किया जा रहा है। अब ऊपर से कवर ढक्कन लगा दिया जाएगा, और फिर ढक करके अब हम दूसरे काम में बिजी हो जाएंगे और आप भी दूसरे काम में बिजी हो जाइए। फिर हम लोग मिलते हैं कितने टाइम के बाद? दो मिनट के बाद, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये हमने दो सीटी के बाद ये जो बैगन है इसका कलर अब पर्पल से ब्राउन हो गया है। एंड इट हैज ऑलरेडी बीन लाइक पूरी तरह से ये बॉयल हो चुका है अच्छे से। और आप देख सकते हैं कि ये टमाटर अच्छे से पक चुका है, रोस्ट हो चुका है। एंड इट इज लुकिंग रियली डिलीशियस गाइस। अभी आंटी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करेंगी, तो चलिए। ब्लैक सरसों, ओके, ब्लैक मस्टर्ड। तेल गरम होना चाहिए, देखिए कैसे आवाज कर रहा है। और उसके बाद हम इसमें अनियन, प्याज में हम प्याज डालेंगे और हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची हल्के ये ग्राइंड की हुई है। अब इसे हम थोड़ा फ्राई करेंगे, स्टर करेंगे। मसाले को मैं जरूर किसी भी चीज़ को बनाती हूँ, तो ये मेरा सीक्रेट मसाला है। इसे डालने के बाद मेरा कोई भी रेसिपी मैं बनाती हूँ उसमें चार चांद लग जाती है, बहुत टेस्टी। और स्मेल बहुत अच्छा कर रहा है, ये रोस्टेड है, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। उधर वाला लाइट ठीक है, दिखे 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 जल्दी से। ओके, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी रेडी करके रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं रियली लुकिंग सो डिलीशियस। ओह वाओ, और इसे इस तरीके से मैश कर लेंगे हम। मैश कर दीजिए, ये आपका बाबा गणेश बन के तैयार। आप इस बैगन का भरता बना के जरूर ट्राई करें, लिट्टी के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, आलू भर के रोटी बनाएं उसके साथ, कोई भी तरह का पराठा बनाएं उसके साथ खाएं, और ऐसे भी खा सकते हैं। आप ऐसे भी खा सकते हैं, मजा आएगा, बहुत टेस्टी। अब मुझे इसको अच्छे से सबको दिखाने दीजिए, बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस लुकिंग आ रहा है। ये बन के रेडी है गाइस, और इट इज़ वेरी वेरी फाइनली, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ओके। एंड द लिस्ट नॉट लिस्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, द वेरी इंडियन थिंग इज गार्निशिंग विद धनिया पत्ता। एंड नाउ इट्स फाइनल टच, अभी रेडी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा घर में और बना के खाइएगा, और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा हमारा रेसिपी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक
सब्सक्राइब एंड शेयर द हार्ड वर्क ऑफ आंटी एंड मी ऑल्सो, मैं कैमरा मैन थी. थैंक यू आंटी, बाय कर दीजिए सबको. मेरी वीडियो को डेस्टिनेशन करने के लिए, मेरी वीडियो को और मुझे नई नई रेसिपी बनाने के लिए मोटिवेशन करने के लिए दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, तभी तो मैं दूसरे रेसिपी बनाने में और भी इससे भी अच्छा अच्छा लजीज स्वाद वाली रेसिपी में बनाने के लिए सिखाती रहूँगी. ओके देन बाय बाय, मिलते हैं गाइस दूसरे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.